वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज 8 मार्च है और आज हम आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द कॉफी टेबल बुक नेम्ड क्रूजिंग न्यू हाइट्स फ्लाइंग फॉर ऑल। कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया जिसका नाम क्रूजिंग न्यू हाइट्स फ्लाइंग फॉर ऑल। अब देखिए ऑप्शंस, नरेंद्र मोदी, सुरेश प्रभु, रामनाथ कोविंद या फिर निर्मला सीतारमन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु। ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और ये राज्यसभा से एमपी हैं और इनकी कंस्टिट्यूएंसी राजापुर महाराष्ट्र है। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली हु फ्लैग्ड ऑफ नागपुर मेट्रो। हाल ही में नागपुर मेट्रो को किसने हरी झंडी दिखाई। ऑप्शंस देखिए, देवेंद्र फडणवीस, सी विद्यासागर राव, नरेंद्र मोदी या वीके यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हमारे पीएम ने इसे न्यू दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हरी झंडी दिखाई। इस नागपुर मेट्रो का आधार शिला हमारे पीएम ने 2014 में रखा था और 2019 में इसको हरी झंडी पीएम ने ही दिखाई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं और सी विद्यासागर वहां के गवर्नर हैं। अब देखिए वीके यादव कौन है? वीके यादव रेलवेज बोर्ड के चेयरमैन हैं। आगे चलिए, वेयर डिड पीयूष गोयल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू कोच टर्मिनल। पीयूष गोयल ने न्यू कोच टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? नेमो केरल, इदुकी केरल, कन्नूर केरल या फिर कोल्लम केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा नेमन केरल में रखी। ये तिरुवनंतपुरम डिवीजन में आता है और इसके साथ साथ पीयूष गोयल ने एक पैसेंजर लोकोमोटिव जिसका नाम WAP-7HS है, जो 24 कोचेस के साथ 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकती है, उसको भी अनवील किया। अब देखिए पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल है हमारे रेलवेज एंड कोल मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा में एमपी हैं महाराष्ट्र से। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट एट WHO। WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है, जुसन्ना जैकोब, सौम्य स्वामीनाथन, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सौम्य स्वामीनाथन। सौम्य स्वामीनाथन WHO में DG थी, जो पद इन्होंने अक्टूबर के 2017 में ज्वाइन किया था और ये भारत से पहली थी जिन्होंने WHO में कोई पोजीशन होल्ड किया। अब ये पद खाली होने वाला है क्योंकि ये चीफ साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त होने वाली हैं। तो अब DG के पद पर जुसन्ना जैकोब आएंगी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे चलते हैं। जन औषधि डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश पर जन औषधि दिवस मनाया गया 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च या फिर 8 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च। हमारे पीएम ने इस जन औषधि दिवस को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एड्रेस किया। हमारे देश में 652 डिस्ट्रिक्ट्स में 5050 से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कारीगर सहायता स्कीम
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता लॉन्च किया? तो ऑप्शंस देखिए, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। इस स्कीम के तहत जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और 1 लाख से कम एनुअल इनकम है उन्हें ₹800 पर मंथ और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें ₹1000 पर मंथ मिलेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया एज नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। कूडो इज ए डैश स्पोर्ट। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया को नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के रूप में मान्यता दी। कूडो एक डैश खेल है। चाइनीज, जापानीज, रशियन या फिर फ्रेंच? तो इसका आंसर हो जाएगा जापानीज। ये एक जापानीज खेल है जो थोड़ा थोड़ा जूडो के तरह मिलता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ BARC? BARC का मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ऑप्शन देखिए, अजीत कुमार मोहंती, के सिवान, के एन व्यास या फिर सतीश रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। ये के एन व्यास को सक्सीड करने वाले हैं। अब ऑप्शंस देखिए, के सिवान कौन है? के सिवान इसरो के चेयरमैन है। और सतीश रेड्डी कौन है? सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है, जिन्हें कुछ दिन पहले मिसाइल सिस्टम अवार्ड भी दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसरो हैड साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट अप ए जॉइंट मैरिटाइम सर्विलेंस सिस्टम इन इंडिया। इसरो ने भारत में जॉइंट मैरिटाइम सर्विलेंस सिस्टम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शंस देखिए, जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, CNSA जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, CNES जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, और ऑप्शन डी RFSA रॉसकॉस्मोस भी जिसे कहते हैं, वो रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा CNES, मतलब फ्रांस के स्पेस एजेंसी के साथ अभी इसरो ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखिए, CNES का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। किस और देखिए, इसरो का चेयरमैन के सिवान है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब इस ज्वाइंट मैरिटाइम सर्विलेंस सिस्टम से होगा क्या? इससे इंडियन ओशियन में शिप्स को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने के लिए दोनों एजेंसी मिलकर लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स लगाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडर वेब वंडर वोमन यूनियन मिनिस्टर ऑफ वोमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी फेलिसिटेटेड डैश वोमेन, मतलब हाउ मेनी वोमेन्स हु हैव बीन ड्राइविंग सोशल रिफॉर्म्स वाया सोशल मीडिया। वेब वंडर वुमन के तहत महिला और बाल विकास के लिए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कितने महिलाओं को सम्मानित किया जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधार चला रही हैं? तो ऑप्शन है 20, 30, 40 या फिर 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। वेब वंडर वुमन को ट्विटर इंडिया के साथ मिलकर 9 जनवरी को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर सुल्तान अजलान शाह कप? सुल्तान अजलान शाह कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, सरदार सिंह, आकाशदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह या फिर मनप्रीत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह वही हैं जिन्हें कुछ दिन पहले एशियन हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया था।
और लालरम सियामी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया था। मनप्रीत सिंह को 2018 में अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। सुल्तान अजलान सा कप ये मलेशिया में 23 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर डैश करोड़ दून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डैश करोड़ के दून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तो ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, 200, 300, 400 या फिर 500? तो ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा। इसके तहत 1 घंटे का रास्ता केवल 15 मिनट में तय किया जाएगा और इसमें पोमा जो एक फ्रेंच कंपनी है वो टेक्निकल सपोर्ट देगी। अब देखिए कि ये रोपवे दिखता कैसा है, ये रोपवे कुछ ऐसा दिखता है, इसे रोपवे कहते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्या यहाँ की गवर्नर है और यहीं पर वैली ऑफ फ्लावर्स राजा जी नेशनल पार्क्स भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क्स भी है। चलिए आगे चलते हम लोग। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड डैश टू लोकेट द अप्रोक्सीमेट अराइवल टाइम फेयर्स रियल टाइम लोकेशंस एटसेट्रा ऑफ बस एंड मेट्रो। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बस और मेट्रो के अनुमानित आगमन समय किराए वास्तविक समय स्थान आदि का पता लगाने के लिए डैश नामक एक ऐप लॉन्च किया। तो इस उस ऐप का नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन है बस मेट्रो, BUME, वन दिल्ली या फिर ऑल इन वन। तो इसका आंसर होगा वन दिल्ली, उस ऐप का नाम वन दिल्ली रखा गया है। इस ऐप के तहत होगा क्या क्या, इस ऐप के तहत एस्टिमेटेड अराइवल टाइम बस मेट्रो का पता कर पाएंगे हम लोग, रियल टाइम लोकेशन ऑफ बस एंड मेट्रोज पता कर पाएंगे, फेयर्स बस एंड मेट्रोज का पता कर पाएंगे, किसी दो प्लेसेस के बीच में बेस्ट रूट और मोड ऑफ ट्रेवल भी पता कर पाएंगे और दिल्ली के आसपास टूरिस्ट स्पॉट्स का भी पता कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड डैश $1 मिलियन फॉर आंध्र प्रदेश हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए डैश $1 मिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कितने मिलियन का एग्रीमेंट है, 327, 328, 329 या फिर 330? तो आंसर हो जाएगा 328। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू और ESL नरसिम्हन गवर्नर हैं जो तेलंगाना के भी गवर्नर हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 15th क्वेश्चन है, मलेशिया हैज ज्वाइंड ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एज डैश मेंबर। मलेशिया ने डैश सदस्य के रूप में ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल हो गया है। तो 128th मेंबर है या फिर 122nd, 123rd या फिर 124th? तो इसका आंसर हो जाएगा 124th मेंबर, एज 124th मेंबर ICC को मलेशिया ने अभी ज्वाइन किया है। अब देखिए मलेशिया का कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है और महाथीर मोहम्मद यहाँ के PM है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है और यहाँ के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट इबोई ओसुजी हैं। चलिए आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू cable.co.uk इंडिया इज ऑन डैश रैंक इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड्स चीफेस्ट मोबाइल डेटा।
केबल डॉट सीओ डॉट यूके के अनुसार भारत दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रदान करने वाला डैश रैंक पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो भारत पहले नंबर पर आता है जो दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। 17th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक रिपोर्ट, मुंबई एंड दिल्ली बिकेम वर्ल्ड्स डैश एंड डैश मोस्ट कॉस्टली प्राइम रेसिडेंशियल मार्केट। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और दिल्ली दुनिया के डैश और डैश सबसे महंगे प्राइम रिहायशी मार्केट बन गए। तो ऑप्शन देखें, 16th एंड 54th, 15th एंड 55th, 16th, 55th, 15th एंड 54th। तो इसका आंसर हो जाएगा 16th एंड 55। इसमें मनीला जो फिलीपींस में है वो फर्स्ट रैंक पर है। तो 18th क्वेश्चन है, पीएम रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम इन गांधीनगर गुजरात। द स्कीम विल प्रोवाइड डैश पेंशन टू द एम्प्लॉयज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आफ्टर 60 ईयर्स। तो ऑप्शंस देखिए, पीएम ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। यह योजना 60 वर्षों के बाद असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को डैश पेंशन प्रदान करेगी। तो ऑप्शन देखिए, 3000 पर ईयर, 2000 पर 6 मंथ, 3000 पर मंथ या फिर 2000 पर 4 मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 प्रतिमाह इस स्कीम से 60 साल के बाद पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात से लॉन्च किया। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि गवर्नमेंट टू रोल आउट न्यू डैश कॉइन, सरकार डैश रुपए का नया सिक्का लाने वाली है। तो वो कौन सा सिक्का भारत सरकार लॉन्च करने वाली है, 20, 50, 100 या फिर 200? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपए का कॉइन अभी आने वाला है। इस 20 रुपए कॉइन का शेप 12 एज्ड पॉलीगॉन के जैसा होगा। इस कॉइन में 65% कॉपर, 20% निकल और 15% जिंक होगा। तो आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। मैं इस चैनल पे हर रोज डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालता रहता हूं। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।